हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कल्पना। पकवान विद कल्पना में आप सबका स्वागत है। जय माता दी। आज हम बनाएंगे फलहारी, दो एक बिस्किट और एक नमकीन में पकौड़े। तो बिस्किट पहले हम बनाएंगे। बिस्किट इसके लिए हमें चाहिए, ये हमने थोड़ा सा ये सिंघाड़े का आटा लिया हुआ है। आप जितना बनाना चाहते हो उस हिसाब से लीजिए। इसमें मिलाऊंगी मैं थोड़े से चीनी, चीनी मैंने पीस ली है टेस्ट के अनुसार। जैसे आप कम ज्यादा मीठा खाते हैं बस उसी हिसाब से मिलाइए, बहुत ज्यादा नहीं। और ये है घी। तो घी हमें ना पूरा मेल्ट होना चाहिए और ना ही पूरा जमा, उसको हम इसको पूरा मिक्स कर लेंगे इसमें। ये देखिए हमारा ये घी में और चीनी और आटा मैंने मिला लिया है। इतना घी होना चाहिए मोयम के लिए कि ये देखिए ये बंध रहा हो, मुट्ठी बन जाए, बस उतना ही, बहुत ज्यादा नहीं। अब इसमें मिलाऊंगी मैं थोड़े से इलायची पाउडर। ये मैंने पीस के रख लिया है, व्रत में तो रखना ही है तो इसलिए रखे रहती हूँ। ये थोड़ा सा मैं इसमें मिला दूंगी, चीनी के साथ मैंने पीसा हुआ है खुशबू आने के लिए। थोड़ा 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 पानी डाल के इसको आपको गूंदना है, क्योंकि सिंघाड़े का आटा बहुत जल्दी वो हो जाता है ना, इसमें ढीला हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा डाल के करना है। एक छोटा सा टाइट सा डो बनाना है, बस छोटे वाले चम्मच से 2 चम्मच पानी लगा मुझे, बस। ये देखिए हमारा डो रेडी। अब मैं बनाऊंगी इसके बिस्किट। ये देखिए इसके पहले मैं ये कढ़ाही आपको कर देती, ये देखिए मैंने कढ़ाही रख दी थी फ्री हीट होने के लिए 5 मिनट पहले, और स्टैंड रख दिया है। मैंने स्टैंड उल्टा रखा हुआ क्योंकि कढ़ाही मेरी छोटी है। आप जैसे रखना चाहते इस पे प्लेट पे पकेगी बिस्किट मेरा। ये देखिए हल्का थोड़ा सा हाथ में घी लगा के आपको ये छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। आप शेप कोई सा भी दे सकते हो, जैसा आप बिस्किट बनाना चाहते हो, सिलेंडर दे सकते हो। मैं एकदम से रोल रोल्स बना रही हूँ। ये देखिए छोटा छोटा मैंने बना लिया है, आप छोटा बड़ा जैसे बनाना चाहते हो ऐसे बना लो। इसी तरीके से हम सारे बनाएंगे। ये देखिए 2 बनाए हैं मैंने और मैं बना लूँ इसमें। आप ये देखिए ये तिल है, सफेद तिल है, इसको मुझे थोड़े से इस पे एक साइड लगा देना है। आप दोनों साइड भी लगा दो, मैं तो चलिए मैंने भी दोनों तरफ लगा दिया है। आप प्लेन भी बना सकते हो इस पे, पर नारियल मत लगाइएगा। ऐसे ही हम सारे बिस्किट बना लेंगे। और ये देखिए मैंने सारे बिस्किट बना लिए। अब मुझे इसको उठा के बेक करने के लिए रखना होगा। इसको आराम से इसमें रखिए, कढ़ाई छुए नहीं क्योंकि जलने का डर है। इससे मुझे ढक देना है, 10 मिनट के बाद देखना है हमें। इधर मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए छोड़ दिया, और अब हम उधर तैयारी करते हैं पकोड़े की। तो चलिए हम बनाते हैं पकोड़े, वो भी लौकी के छिलके की, जो आप वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं। इसको बनाने के लिए हमें ये लौकी जो है चाकू से छिलना है, थोड़े मोटे मोटे छिलके उतारने हैं, थोड़े इसमें गूदे भी होने चाहिए। इसको मैंने धो के साफ करके ये लंबे लंबे कट करके रख लिए हैं। चाय के व्रत में बहुत ज्यादा ऑप्शन होते नहीं हैं, तो मैंने इसका ये निकाला है। तो इसके में ये है सिंघाड़े का आटा इसमें, और ये मैं डाल रही हूँ सेंधा नमक टेस्ट के अनुसार जितना डालना है। मैंने 1 बड़ा चम्मच सिंघाड़े का आटा लिया था और ये थोड़ा सा नमक डाला, और ये है सूखी कुटी हुई मिर्च। इसको भी आप टेस्ट के अनुसार ही डालिए, जैसा आप तीखा वो खाते हैं। मेरा बहुत तीखी मिर्ची है,
ये है थोड़ा सा जीरा। आप चाहो तो आप काली मिर्च भी डाल सकते हो, मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरी मिर्ची बहुत तीखी है। इसमें थोड़े से डाल दूंगी हरी धनिया के पत्ते। अब इसको मैं मिला लूंगी थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका अच्छा बैटर बना लूंगी। पकौड़े बनाने के लिए कोट करना होता है ना लौकी को। ये देखिए हमारा बैटर बनके तैयार हो गया। इसको अब मुझे इधर, मैंने ये देखिए फ्राई पैन रखा हुआ है, इसमें ऑयल भी डाला है। देखिए जो मैंने लौकी है ये लंबे लंबे से कट कर लिए हैं, इससे मुझे इसे कोट करना है। इधर हमारा ये व्रत वाला तेल गरम हो गया है, इसको मुझे ऐसे ऐसे करके सारे जैसे हम बेसन में पालक के पकोड़े और क्या कहते हैं किसी भी पत्ते के पकोड़े नहीं बनाते हैं, बस उसी तरीके से इसको भी बनना है। ये बेसन की जगह इसमें है सिंगाड़े का आटा और इसमें कोई मसाले नहीं है क्योंकि व्रत वाला है तो व्रत में तो मसाले खाए नहीं जाते। ये देखिए ऐसे ऐसे हमें इसको सेक लेना है ब्राउन कलर होने तक, क्योंकि वैसे भी सिंगाड़े का आटा बहुत जल्दी वो हो जाता है ना, डार्क कलर में आ जाता है। इसको मुझे पलट के सेकने हैं, पलट पलट के बढ़िया से। ये हमारे पकौड़े एकदम रेडी हो गए, इसको आप हमें निकाल लेना है। मीडियम फ्लेम पे करना है तो इसके आपके अंदर के जो ये लौकी वाला छिलका है ना ये भी हो जाएगा, आराम से पक जाएगा। और ऐसे ही करके हमें सारे निकाल लेना है। ये हमारे पकोड़े तैयार हो गए हैं, 10 मिनट भी हो गए हैं तो चलती है। चलिए हम देख लेते हैं अपने बिस्किट्स। जी देखिए तो मेरे बिस्किट्स रेडी हो गए हैं, थोड़ा सी थोड़ा और हाँ क्योंकि मैंने थोड़े मोटे मोटे डाल दिए थे ना, रेडी हो गए हैं, थोड़े से और लाल हो जाए 5 मिनट के लिए और छोड़ देते हैं। 5 मिनट और हो गए और ये हमारे बिस्किट्स रेडी, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसको मैं कर दूंगी गैस ऑफ, 2 मिनट के लिए इसको छोड़ दूंगी इसी में ठंडा होने के लिए, फिर निकालती हूँ, नहीं टूट जाएंगे ना फिर बिस्किट्स। ये 1 मिनट हुआ है अभी, मैं बाहर निकाल देती हूँ क्योंकि 1 मिनट के बाद बाहर ही ठंडा हो जाएगा जल्दी से। और ये मैंने निकाल दिया इसको बाहर। देखिए हो गए ना मेरे बिस्किट फर्स्ट क्लास, सिंघाड़े के आटे के बिस्किट। कोई बोलेगा ये सिंघाड़े के आटे के बिस्किट्स है। ये देखिए इधर भी और ये भी, अभी बहुत गर्म है, अभी तोड़ के नहीं दिखा सकती आपको। ये देखिए मेरे बिस्किट्स और ये पकोड़े सर्व किए हैं मैंने। देखिए घर आए गेस्ट को कुछ नहीं, ये देखिए पकोड़े फटाफट से खाइए, खा के देखिए इसकी आवाज सुनिए कैसी है। ये देखिए बहुत बहुत टेस्टी होता है। और ये बिस्किट भी देखिए, एक मीठा और एक नमकीन व्रत में अगर कोई आ जाता आपके घर में। ये अभी पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है फिर भी देखिए इसका
घर आए मेहमान को आप टेस्ट कराइए, आप भी खाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। फिर जल्दी मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।